वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 24, आज है 24th ऑफ जैन और फ्राइडे। मैं लास्ट एक डेढ़ वीक से कोई वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि थोड़ी सी मुझे कुछ मैं घर के थोड़े से कामों में बिजी हो गई थी, इसलिए मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई। और अभी शायद दोपहर का 1 बज रहा है। और अभी क्या बनाएगी जीनू? मम्मा, हाँ मम्मा, अभी मैं लंच बनाऊंगी। उससे पहले मैं थोड़ा सा जीनू के साथ हमें तो थैंक यू आ जाओ। अब भी हेलो बोलो। ये रात का टाइम बोलो क्या है। और अभी मैं बनाऊंगी लंच और आज का लंच थोड़ा सा अलग है। कौन मार दिया? बस 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 बस, कौन मार दिया बेटी को? जाओ ग्लास लेके आओ, मम्मा पानी देगी। तो हाँ, तो इसे खेलो आप। अभी मैं अपना लंच बनाऊंगी और सोच रहे हैं कि मैं बिना सेटअप के कैसे बैठी, बिकॉज अभी यहाँ पे ना मैं हीटर के जीनू नहीं। हाँ तो अभी मैं क्या थोड़ा सा हीटर के सामने बैठी हुई हूँ, थोड़ी सी जे, क्योंकि जीनू अभी छोके उठा है। आ जाओ गोदी आ जाओ। क्या बोलोगे आप? मम्मा हाँ पानी ग्लास लेकर आओ। कैसे करता जी है कुत्ती कुत्ती? देखना देखना, यहां से करो। 1 2 गिर जाएगा बेटा, गिर जाओगे। आई हो जाएगी ना? एक मिनट फिर करके दिखाना। के उठ गए हो अब? दोबारा सोना है? नीनी आई है दोबारा? पहले बताओ नीनू आई है दोबारा और सोना है? चलो नहीं, मम्मा फोल्ड कर देगी। ठीक है ये लो, टोपी लाओ, मम्मा फोल्ड कर देगी। और वेरी गुड, जीनू कंबल लेके आ चुका है क्योंकि मुझे फोल्ड करना है। तो अभी मैं खाने की प्रिपरेशन करती हूँ, यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड करती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ सीधा किचन में। चलो बनाने जा रही हूँ।
अपना लंच, और आज मैं लंच में बनाने बना रही हूँ आलू के पराठे, जो कि सबको बहुत पसंद आते हैं। यहाँ पे मैंने आलू को बॉईल कर लिया है, अभी मुझे उनको मैश करना है। आप इसको मैशर की हेल्प से भी कर सकते हो, कद्दूकस भी कर सकते हो, और फोक से भी कर सकते हो। पहले मैं इनको मैश कर लेती हूँ अच्छे से। हमारे आलू अच्छे से हो गए हैं, अब मैं इसमें ऐड करूंगी बाकी के मसाले जो जो मुझे चाहिए। एक्चुअली मैं ये थोड़े से कम मसालों के साथ ही बनाऊंगी, क्योंकि जीनू को भी आलू के पराठे बहुत पसंद है, तो अगर मैं इसमें मसाले थोड़े तेज कर, इसलिए मैं ये पराठा बहुत कम मसालों के साथ बनाऊंगी। बट ऐसा नहीं है कि अगर इसमें मसाले कम है तो ये अच्छा नहीं बनेगा, ये कम मसालों के साथ भी बहुत अच्छा बनता है। तो मैं अभी इसमें, ये अच्छे से हो गया है, अभी मैं इसमें ऐड करूंगी एक मैंने बड़े साइज का अनियन लिया है, जैसे बहुत बारीक बारीक चॉप कर लिए हैं। मैं ऐड करूंगी रेड चिली पाउडर, कैच का चाट मसाला थोड़ा सा। हाँ क्या हुआ चीची को? अच्छा हाँ, तो मैं इसमें चाट मसाला ऐड कर दिया है थोड़ा सा, और अभी मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ी सी अजवाइन। ये थोड़ी सी अजवाइन ऐड करूंगी, इसको मैं हाथ से इस तरीके से क्रश करके डाल दूंगी, और थोड़ा सा जीरा, और थोड़ा सा इसमें मैं ऐड करूंगी धनिया पाउडर और नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो, पर ध्यान रखना कि आटे में भी नमक होता है, तो कहीं ज्यादा ना हो जाए। बस मम्मा हमें इतना ही ऐड करना है, और हम अब इसे एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे। कुछ लोग इसे फ्राई भी करते हैं, मतलब इन सब मसालों को एक साथ फ्राई कर लेते हैं, बट मेरे घर पे फ्राई किया हुआ कोई नहीं खाता है, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और आप लोग भी एक बार ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा बनता है इस तरीके से भी। ऐसा नहीं है कि कच्चा कच्चा टेस्ट आएगा, वो सब नहीं होता है, बहुत अच्छे से बनता है। आप इसमें खड़ा वाला जो धनिया होता है ना मोटा वाला, उसे भी रोस्ट करके डाल सकते हो, उससे खुशबू भी अच्छी आएगी, बहुत अच्छा बनेगा। हाँ बेटा का लंच, आलू के पराठे और दही खाना। तो चलो आपको जीनू टेस्ट करके बताएगा कैसे बने। ये लो जी, कैसा है जीनू, कैसा है खाना? है अच्छा है बेच। तो ये लो करना 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 करना। ये हमारे आलू के परांठे जो बहुत अच्छे बने हैं, तो कम मसालों के साथ भी बहुत अच्छे से आलू के परांठे बन सकते हैं। आप जरूर एक बार घर पे ट्राई करें, है ना जीनू? अच्छा है ना, बोलो कैसा है? जीनू खाने में हो गया बिजी, तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ लंच के बाद में। हाँ जी, तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल के एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी।